हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी स्टार्ट क्लास टेंथ में चैप्टर सिक्स एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री बेटा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल क्वेश्चन नंबर टू देखिए इन फिगर ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर ट्रायंगल ओ बी एंगल बी ओ सी वन ट्वेंटी फाइव डिग्री एंड सी डी ओ सी डी ओ सैवेंटी डिग्री फाइंड डी ओ सी फाइंड डी ओ सी दिस वन एंगल ठीक है एंड फाइंड डी सी ओ डी सी ओ दिस वन बेटा एंड ओ ए बी ओ ए बी दिस वन ठीक है तो ये आपको तीन एंगल फाइंड करने हैं तो चलिए स्टार्ट करिए क्वेश्चन बेटा अब सबसे पहले जो गिवन है वो राइट कर लीजिए गिवन आपको दिया गया है आप लिखेंगे आ, आपको एंगल जो हैं वो दोनों सिमिलर ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर दिए गए हैं आप लिखेंगे ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर ट्राइंगल ओ बी ए ठीक है ये दिया गया है बी ओ सी इक्वल टू वन वन ट्वेंटी फाइव डिग्री एंड सी डी ओ इज इक्वल टू सेवेंटी डिग्री ठीक है तो आपको टू प्रूफ जो फाइंड करने हैं वो एंगल हैं डी ओ सी डी सी ओ एंड ओ ए बी ये आपको फाइंड करने हैं ठीक है बेटा तो प्रूव करिए बेटा सबसे पहले आप देख रहे हैं ये हमारे पास एंगल है बी ओ सी तो ये सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन है डी ओ बी तो आप लिखेंगे डी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन ठीक है स्ट्रेट लाइन में एंगल कौन से बनते हैं लीनियर पेयर तो आप लिखेंगे बेटा बी ओ सी एंगल बी ओ सी प्लस सी ओ डी इज एकल टू वन एटी डिग्री अब आपको बी ओ सी दिया गया है वन ट्वेंटी फाइव यहाँ से आपका सी ओ डी फाइंड हो जाएगा सी ओ डी ठीक है तो आप लिखेंगे सी ओ डी इज इक्ल टू वन एटी माइनस वन ट्वेंटी फाइव डिग्री तो ये आ गया फिफ्टी फाइव डिग्री ओके बेटा सी ओ डी आपके पास फिफ्टी फाइव आ गया अब आप देख रहे हैं आपको डी सी ओ भी फाइंड करना है तो इसके लिए बेटा आप ट्राइंगल्स सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ठीक है तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ओ सी ठीक है यहाँ पे आपको एंगल डी जो है उसको आप डी भी लिख सकते हैं ओ डी सी भी लिख सकते हैं वो आपको सेवेंटी डिग्री दिया गया है हमारे पास सी ओ डी फाइंड हो गया वो फिफ्टी फाइव डिग्री आ, आया नेक्स्ट हमें फाइंड करना है डी सी ओ तो आप लिखेंगे एंगल ओ डी सी की जगह डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इज़ इक्ल टू वन एट्टी डिग्री डी की वैल्यू है हमारे पास सेवेंटी डिग्री एंड ओ की वैल्यू है हमारे पास फिफ्टी फाइव डिग्री एंड आपको सी फाइंड करना है ठीक है बेटा तो आप लिख रहे हैं यहाँ पे एंगल सी है जो कौन सा है डी सी ओ इसको पूरा कंप्लीट लिख लीजिए डी सी ओ वन एटी अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा वन ट्वेंटी फाइव तो ये भी हमारे पास कितना आ गया फिफ्टी फाइव डिग्री ठीक है डी सी ओ हमारे पास फाइंड हो गया वो फिफ्टी फाइव डिग्री आ गया नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ओ ए बी तो बेटा हमें स्टार्टिंग में दिया गया है ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के ठीक है बेटा अगर ये सिमिलर हुआ तो हमारे पास एंगल जो है ओ ओ के इक्वल हो जाएगा डी डी बी के इक्वल हो जाएगा और एंगल सी जो है एंगल ए के इक्वल हो जाएगा ठीक है बेटा तो हमारे पास सी एंगल ये आया इस ट्रायंगल में आप लिखेंगे सी क्या है डी सी ओ इक्वल टू लिखेंगे बेटा ओ ए बी के ठीक है तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना फिफ्टी फाइव डिग्री ओके तो एक ये भी है इस वे से भी आप लिख सकते हैं हमें सिमिलैरिटी दी गई है दोनों ट्राइ की और ये दूसरे अल्टरनेट ट्राइंगल भी अल्टरनेट एंगल्स भी हुए ठीक है तो आप ये भी लिख सकते हैं ओ ए बी इक्वल टू डी सी ओ और क्या है ये अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल्स ठीक है बेटा दोनों वे से आपके ये क्या हुए इक्वल हो गया ठीक है तो आप लास्ट में लिखेंगे हमारे पास जो एंगल है, हैंस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू तो फिफ्टी फाइव डिग्री एंड एंगल डी सी ओ बी फिफ्टी फाइव डिग्री और ओ ए बी भी आपके पास क्या आया फिफ्टी फाइव डिग्री ठीक है बेटा ओके थैंक यू